प्रिय बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 के सवाल बताएंगे। तो प्रश्नावली 5.1 में बेटा जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यह है क्या चीज बेटा? तो कुछ एग्जाम्पल हम लें, जैसे 5, 8, 11, 14 इत्यादि, 2, 6, 10, 14 इत्यादि, 15, 17, 19, 21, 23 इत्यादि। और उदाहरण लें, 8, 7, 6, 5, 4 इत्यादि। और एग्जाम्पल लें, 7, 7, 7, 7, 7 आदि। तो बेटा इनको देखो जरा ध्यान से, पहले वाले में देखो तो ये 5 के बाद क्या हो गया, 8। 5 के बाद क्या हुआ, 8, यानी कितना बढ़ गया 5 में, कितना बढ़ गया, 5, 3, 8, 5 में 3 बढ़ गया, जोड़ दिया गया 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दिया गया 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ दिया 14 हो गया। क्या जोड़ रहे हो बेटा बोलो, 5 में क्या जोड़ रहे हो, 3, तो 8 हो गया, 8 में क्या जोड़ दिए 3, 11 हो गया, 11 में क्या जोड़ दिए 3, तो 14 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो 2 है, 2 में क्या जोड़ दिए 4, 2, 4, 6, 6 में फिर 4 जोड़ दिए 10, 10 में फिर 4 जोड़ दिए 14, ठीक बेटा। तीसरे एग्जाम्पल में देखो तो 15 के बाद क्या आ गया, 17, 15 के बाद 17, क्या जोड़ दिए 2, 17 में 2 जोड़ दिए तो 19 आ गया, 19 में 2 जोड़े तो 21 आ गया, 21 में 2 जोड़े 23 आ गया, फिर 23 में आगे हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस तरह से यहाँ चौथे में देखें तो 8 में से 1 निकल गया, 8 में से 1 निकला है, या कहोगे 8 प्लस माइनस 1, तो हो गया बेटा 8 माइनस 1, यानी क्या हो गया 7, यानी माइनस 1 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया माइनस 1, फिर 7 प्लस माइनस 1, तो देखो ये हो गया 7 माइनस 1, ये हो गया 6, ठीक बेटा। दूसरा पद 6 आ गया, तीसरा पद 6 आ गया, देखो पहला पद तो 8 था, दूसरा क्या आया, दूसरा पद जो है 7 आया, क्या जोड़ने से 8 में क्या जोड़े माइनस 1 जोड़े, फिर 7 में माइनस 1 जोड़े तो क्या आ गया 6, फिर 6 में माइनस 1 जोड़ दो तो 6 माइनस 1, ये आ गया बेटा 5, फिर 5 में माइनस 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 5 माइनस 1, ये हो गया 4, ठीक बेटा। तो देखो यहाँ पे पहला पद तो 8 था, क्या था 8, फिर पहले पद में क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया माइनस 1, तो दूसरा पद मिल गया, फिर दूसरे पद में माइनस 1 जोड़ दिया तो तीसरा पद मिल गया, तीसरे पद में माइनस 1 जोड़ दिया तो चौथा पद मिल गया। इस तरह से बेटा ये हमारी जो है एक संख्याओं की एक जो है श्रेणी प्राप्त हो रही है, संख्याओं की एक सूची प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देखो तो 7 है, क्या है 7, फिर 7 है, यानी क्या जोड़ा गया 7 में 0 जोड़ा गया तो क्या आया 7, पहला तो 7 था। दूसरा पद निकालने के लिए देखो, प्रथम पद ये 7 था,
फिर सात में क्या जोड़े, जीरो, तो सात आ गया। फिर दूसरा पद मैंने सात में फिर जीरो जोड़े, फिर सात आ गया। फिर सात में जीरो जोड़े तो फिर सात आ गया। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, सेवन। क्या जुड़ रहा है बेटा, सेवन। एक बार फिर समझिए, हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल को देखो, पाँच क्या है, आठ, फिर क्या है, ग्यारह, फिर बेटा क्या है, चौदह। फिर इसके बाद क्या आएगा, चौदह के बाद क्या आएगा, सत्रह। क्या जुड़ रहा है, तीन जुड़ रहा है। तो देखो बेटा, ये जो पाँच है इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद ये हमारा है पाँच। प्रथम पद को हम ए से भी लिखते हैं, ए, या ए वन भी कह सकते हैं, ए कहें चाहे ए वन कहें, ये क्या है, पाँच है। प्रथम पद क्या है, इसके बाद हमारी सीरीज बढ़ रही है आगे। प्रथम पद हमारा, उसको हम ए से लिखेंगे या ए वन से लिखेंगे, वो है क्या बेटा, पाँच। अब दूसरा पद, दूसरा पद क्या है कि प्रथम पद में कितना जोड़ दिया गया, दूसरा पद, दूसरा पद हमारा जो है इसको हम ए टू कहेंगे, तो वह प्रथम पद जो पाँच है, प्रथम पद पाँच है, यानी ए वन में क्या जोड़ा गया है, बोलो, ए वन में क्या जोड़ा गया है, तीन। तो ए वन क्या है, पाँच है, प्लस तीन, ये कितना मिला, आठ। ठीक बेटा, चलो तीसरा पद क्या मिला है, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद जो है दूसरे वाले पद में, भाई दूसरा, दूसरे वाले पद यानी ए टू में तीन जोड़ दिया गया, तो दूसरा पद हमारा ए टू क्या मिला है, आठ में तीन जोड़ा, कितना मिला, ग्यारह। तीसरा पद क्या मिल गया, ग्यारह। चौथा पद क्या मिला, चौथा पद निकालने के लिए ए थ्री में, तीसरे वाले पद में फिर हम तीन जोड़ेंगे, और तीसरा वाला पद, यहाँ तीसरा पद यानी ए थ्री हमारा यहाँ मिला है, कितना, ग्यारह प्लस तीन, ये हो गया बेटा चौदह। तो चौथा पद चौदह। इसी तरह से पांचवा पद हम निकाल लेंगे, चौथे वाले पद में तीन जोड़ देंगे। ठीक बेटा, जरा और देखिए, ये जो प्रथम पद है उसको हमने किससे लिखा, प्रथम पद को बेटा किससे लिखा, ए वन से लिखा। किससे लिखा, ए वन, ए वन कहें चाहे ए कहें, ए वन बराबर पाँच। अब यहाँ पे जो दूसरा पद निकल रहा है, पहले पद वाले पद में क्या जोड़े हो, बोलो, पाँच में कितना जोड़ोगे कि आठ हो जाए, तीन जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, तीन। तो जो 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 संख्या हम जोड़ रहे हैं वो प्राप्त कैसे कर रहे हैं, उस संख्या को प्राप्त करने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, यानी बाद वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटा दो। यानी किसमें, दूसरा पद हमारा आठ है, दूसरा पद क्या है, ए टू बराबर आठ है, ए टू बराबर क्या है, देखो, ए वन बराबर पाँच, ए टू बराबर आठ, तो आठ में से पाँच घटा दो, यानी ए टू में से ए घटा दो, या ए टू में से ए वन घटा दो, तो ए टू माइनस ए वन ये कितना होगा, आठ माइनस पाँच, ये हुआ तीन। और इसी बेटा ए टू माइनस ए वन को हम कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं, सार अंतर, सार अंतर। तो सार अंतर निकालने के लिए हमेशा ध्यान दो कि बाद वाले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर जरा देखो, चलो पहले यहाँ बताओ, ए वन कितना है, ए वन हमारा पाँच है,
ए टू कितना है? 8 है। ए थ्री कितना है? 11 है। ए फोर कितना है? 14 है। तो सार्वांतर को हम किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। सार्वांतर किससे लिखेंगे? डी बराबर। सार्वांतर को किससे लिखेंगे? डी से। वो डी कैसे निकलेगा? हम चाहे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दें, ए टू माइनस ए वन, ठीक बेटा। चाहे तीसरे वाले पद में से उसके पहले वाला पद यानी ए थ्री माइनस ए टू, चाहे चौथे वाले पद में से तीसरा वाला पद यानी ए फोर माइनस ए थ्री। तो बेटा चाहे हम दूसरे वाले पद में से उसके पहले वाला पद यानी पहले वाला पद घटावें, चाहे तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटावें, चाहे चौथे वाले पद में से तीसरा वाला पद घटाएं, तो सार्वांतर हमारा निकल जाएगा। सार्वांतर हमेशा जो है क्या होगा? समान आएगा। समांतर श्रेणी की बेटा पहचान है कि सार्वांतर हमेशा जो है क्या होता है? समान होता है। सार्वांतर समान यदि है तो जो श्रेणी जो बनेगी, जो सूची होगी संख्याओं की, वह कैसी सूची होगी? वो समांतर श्रेणी होगी। सार्वांतर कैसे निकालेंगे? सार्वांतर कैसे निकालेंगे? बाद वाले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा सर्वांतर निकल जाएगा। और समांतर श्रेणी में सर्वांतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। चलिए जरा दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, दूसरे एग्जाम्पल को देखें। किसको? 2, 6, 10, 14 इत्यादि, और आगे भी हम लिख सकते थे। 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, इस तरह से। तो अब आप इसको देख करके तो बता दो प्रथम पद क्या है, पहला वाला पद क्या है। पहला वाला पद को हम किससे लिखेंगे? A1 से लिखेंगे। तो A1 क्या है? A1 कहें चाहे A कहें, क्या है? 2, ठीक बेटा। A2 क्या है? A2 देख के बता दो, A2 क्या है बोलो? दूसरा पद। तो भाई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरा पद को ए टू से लिखेंगे, यह है 6, ठीक। तीसरा पद को हम ए थ्री लिख दें, ए थ्री कितना है? 10। चौथा पद को ए फोर कह दें, कितना है? 14। पांचवा पद को ए फाइव कह दें, ये कितना है? 18, ठीक बेटा। अब चलो मैं सार्वांतर निकालना चाह रहा हूँ। देखो लिखें, सार्वांतर कितना होगा? तो हमेशा बाद वाले में से ठीक उसके पहले वाला घटाएंगे। तो चाहे जहां से निकालें, चाहे तो 18 में से 14 निकाल दो, यानी ए फाइव में से ए फोर निकाल लो, और चाहे 14 में से 10 निकाल दो, चाहे 10 में से 6 निकाल दो, चाहे 6 में से 2 निकाल दो, यानी चाहे हम ए टू माइनस ए वन कहें, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू हमारा क्या है? 6 माइनस ए वन क्या है? 2, घटा दो कितना आया? 4। सार्वांतर क्या आया बेटा? सार्वांतर जो है 4 आया। हम चाहते तो सार्वांतर निकालने के लिए A3 माइनस इसके पहले वाला यानी A2, A3 माइनस A2। तो A3 देखो, तीसरा पद 10 माइनस दूसरा पद 6, 10 में 6 गया 4। और सार्वांतर को हम किससे लिखेंगे? सार्वांतर को हम किससे लिखेंगे?
डी से लिखेंगे। सार्व अंतर को किससे लिखेंगे बेटा? डी से लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी बेटा संख्याओं की ऐसी सूची है, समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। तो समांतर श्रेणी देखें, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें बेटा प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद, अब यहाँ प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर जिसमें से प्रत्येक प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर अपने पद में, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अंतर को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे 20, अब 20 में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हम 4 जोड़ रहे हैं, तो 20 4 24 तो दूसरा पद मिल गया। फिर दूसरे पद में फिर वही संख्या को जोड़ोगे, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है? एक निश्चित संख्या। 20 में एक निश्चित संख्या 4 जोड़ा तो 24 आया, 24 में एक निश्चित संख्या 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, फिर 28 में एक निश्चित संख्या और निश्चित संख्या 4 जोड़ेंगे तो 28 चार 32 मिला, 32 में उस निश्चित संख्या 4 को जोड़ें तो 36 मिलेगा। तो इस तरह से संख्याओं की क्या मिली? एक सूची मिल गई। इस सूची, ऐसी सूची को हम कहते हैं क्या? ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी इसको हम एपी से भी लिखते हैं, समांतर श्रेणी माने अरिथमेटिक प्रोग्रेस। तो समांतर श्रेणी किससे लिखेंगे? समांतर श्रेणी क्वेश्चन में लिखेंगे एपी, ए ए पी। तो एपी, एपी का मतलब बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम एपी लिखें। एपी बराबर हमारा 20 24 28 32 36, ये एपी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है कि नहीं ये जानने के लिए हम क्या निकालेंगे? सार्व अंतर देखेंगे। यदि सार्व अंतर समान है तो निश्चित रूप से वह एपी होगा, यदि सार्व अंतर समान नहीं है तो वह एपी नहीं होगा। चलिए इस एपी को देखें, इस एपी को देखें, एपी है, इसमें प्रथम पद क्या है देख के बता दो, प्रथम पद क्या है इस एपी में? प्रथम पद क्या है बोलो? 20 है। प्रथम पद को हम ए वन से लिखेंगे या ए से लिखेंगे? ए यानी ए वन बराबर 20। सार्वंतर, सार्वंतर को हम किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। और डी निकालने के लिए बेटा चाहे ए टू में से ए वन निकालो, चाहे ए थ्री में से ए टू निकालो, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन हम कह सकते थे, ए थ्री माइनस ए टू हम कह सकते थे, ए फोर माइनस ए थ्री या ए फाइव माइनस ए फोर।
बाद वाले पद में उससे पहले वाले पद को घटाएंगे, इत्यादि इस तरह से होगा। तो देखें भी, चलो A2 हमारा क्या है 24, बोलो दूसरा पद क्या है 24 और पहला पद 20, यानी 24 माइनस 20 ठीक बराबर A3 28 माइनस 24 बराबर A4 देखो 32 है, तो 32 माइनस A3 28 बराबर A5 36 माइनस A4 32। तो देखो 24 में से 20 गया 4, ये भी आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। तो सार्वंतर हमेशा क्या आएगा, एपी का सार्वंतर हमेशा समान आएगा। सार्वंतर कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा, सार्वंतर को किससे लिखते हैं, सार्वंतर को किससे लिखेंगे, सार्वंतर को हमेशा डी से लिखेंगे। प्रथम पद को ए चाहे A1 से, दूसरे पद को बोलो दूसरे पद को किससे लिखोगे A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4, पांचवा पद A5, छठा पद A6 इत्यादि ठीक बेटा। अब जरा सा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। चल हमने मान लिया, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर हमने मान लिया क्या है डी। प्रथम पद बेटा माना ए, सार्वंतर क्या मान लिया डी। तो प्रथम पद तो ए हो गया, सार्वंतर डी है, एपी की बात हो रही है, इसलिए जो हमारा एपी बनेगा, जो एपी बनेगा, एपी जो बनेगा, सबसे पहले तो हम प्रथम पद लिखेंगे, ये पहला पद मिल गया। अब दूसरे पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे बोलो, प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे डी, यानी ए प्लस बी दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा, फिर दूसरे वाले पद में फिर डी जोड़ दोगे, दूसरे वाले पद में फिर, यानी दूसरा पद ए प्लस डी है, उसमें सार्वंतर जोड़ोगे, सार्वंतर क्या है डी, यानी ए प्लस डी, डी प्लस डी बोलो भाई, ए प्लस डी दूसरा है, इसमें फिर डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। चौथा पद क्या होगा, फिर ए प्लस टू डी में तीसरे पद में फिर डी जोड़ोगे तो ए प्लस थ्री डी। देखो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस दूसरा पद तो ए प्लस एक डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी, इसके बाद वाला प्लस पद ए प्लस फोर डी, फिर ए प्लस फाइव डी इत्यादि ठीक ना। तो ये हमारा एपी बन गया। फिर समझो, प्रथम पद हमने क्या माना ए, सार्वंतर क्या माना डी, सार्वंतर क्या माना डी। तो एपी कैसे बनती है, एपी बनाने के लिए हम पहले प्रथम पद को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी ए प्रथम पद प्लस सार्वंतर जोड़ दिया डी, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालने के लिए फिर दूसरे वाले पद में फिर हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तो ए प्लस डी यानी ए प्लस टू डी। फिर अगला पद निकालने के लिए फिर ए प्लस टू डी माने इस तीसरे वाले पद में फिर डी जोड़े तो ए प्लस थ्री डी हो गया, फिर इसमें डी जोड़ा ए प्लस फोर डी, फिर इसमें डी जोड़ा ए प्लस फाइव डी इत्यादि ठीक बेटा। तो इस तरह से हम प्रथम पद क्या पा रहे हैं, प्रथम पद हमारा जो है, प्रथम पद को हम ए वन से लिख सकते हैं, प्रथम पद किससे ए वन या ए, ए वन कहें चाहे ए कहें वो ए है। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद
उसको हम A2 लिखेंगे तो क्या मिला आपका बोलो, A2 मिला हमारा A+D, यानी A1 में हमने क्या दिया, सर्वांतर को जोड़ दिया A1+D। ये दूसरा पद मिलेगा, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद A3, तो कहेंगे A+ देखो 2D, दूसरा पद A+D यानी 1D यहाँ पे है, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A4 कहेंगे, वो कहेंगे A+3D, चौथा पद A+3D, पांचवा पद बेटा क्या, A5, तो कहोगे A+4D, पांचवा पद तो A+4D, छठा पद A+5D, छठा पद तो A6, तो कहोगे A+5D। इसी तरह से बेटा यनवा पद को हम AN लिखेंगे, छठा पद के बाद सातवां आठवां इत्यादि होगा, बोलो, इसलिए यनवा पद क्या हो जाएगा, इसलिए यनवा पद बोलो AN बराबर A+, बोलो देखो छठा है तो 5 आया, पांचवा तो A+4D आया, चौथा तो A+3D, तो यनवा पद तो A+N में से घटेगा, N-1 × D, A+N-1 × D। तो इस तरह से हम किसी श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, किसी श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। यनवा पद बराबर A+N-1 × D, समझ में आ रही बात, तो फिर एक बार समझिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। एक बार और समझिए, जैसे हमने एक मान लिया प्रथम पद हमने मान लिया, प्रथम पद को ए से लिखा, ए बराबर मान लिया 25, और सार्वंतर को डी से लिखा, यह मान लिया 4, ठीक। अब हमें AP बनाना है, हमें क्या बनाना है, AP माने समांतर श्रेणी। तो चलो पहला पद तो हमने लिख दिया 25, अब दूसरा जो पद प्राप्त होगा हमेशा इसके पहले वाले पद में सार्वंतर को जोड़ने से प्राप्त होगा, तो 25 में 4 जोड़ोगे, बोलो 25 × 4 = 29, फिर तीसरा पद 29 में 4 जोड़ोगे, 29 × 31 = 33, फिर चौथा पद 33 में 4 जोड़ोगे 37, फिर 37 में 4 जोड़ दोगे 41 = 41। तो इस तरह से बताइए A2 बन जाएगा, समझ में आ गया। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा बाद वाले पद में, मैंने क्या करें, बाद वाले पद में से उसके ठीक पहले वाला पद, चाहे जहाँ से देखें, जैसे यहाँ से देखें तो 29 में से 25 घटाओगे, इसको लें तो 33 में से 29 घटाओगे, यहाँ से ले लें तो 37 में से 33 घटाएंगे, यहाँ से लिखें 41 में से 37 घटाएंगे। और समांतर श्रेणी का सार्वंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, समझ आ रही बात, समांतर श्रेणी का सार्वंतर हमेशा समान होता है। जरा सा देखें, जैसे 7, ये AP है कि नहीं, AP है कि नहीं, तो इसका A1 कितना है, A1 यानी A = 7,
डी निकालने हैं, डी निकालें तो क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो चाहे तो बेटा हम ए वन बराबर ए बराबर 7, ए टू हमारा भी 7, ए थ्री भी 7, सब ए फोर भी 7, ए फाइव भी 7 है ना इत्यादि। तो डी निकालने के लिए हम चाहे ए टू माइनस ए वन करें, ए टू में से ए वन घटा दें, तो बोलो ए टू में से ए वन घटाओ क्या मिलेगा, बोलो 7 माइनस ए टू 7 है, 7 माइनस 7 क्या मिला, 0। ठीक, हम चाहे तो डी निकालने के लिए ए थ्री माइनस ए टू कर दें, तब भी देखोगे 7 माइनस 7 0। फिर डी निकालें ए फोर माइनस ए थ्री कर दें, तब भी 7 माइनस 7 का आया 0। ए फाइव माइनस ए फोर कर दें, 7 माइनस 7 0। तो सर्वांतर क्या है, हमेशा समान है, अतः ये 7 7 7 7 7 ये भी क्या है, यह एक ए प्लस है, क्या है बेटा, ए प्लस है। तो अब प्रश्नावली 5.1।